आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2023 में बेचे गए 15 करोड़ नए फोन्स में से 40% यानी 6 करोड़ ऐसे फ़ोन थे जो एक्चुअल में रियल थे ही नहीं, वो या तो सर्विस्ड फ़ोन थे या वो फेक या ऐसे डुप्लीकेट फ़ोन्स थे। अगर फ़ोन देने से पहले आपको इस बारे में बता दिया जाता है कि यह सर्विस्ड फ़ोन है या इसमें ये इशू है और आपको उसके प्राइस से लो करके दे दिया जाता है, देन नो इशू। बट अगर आपको वो फ़ोन सर्विस्ड होने के बावजूद एक नए फ़ोन के प्राइस में दे दिया जाता है, देन इसे एक फ्रॉड की कैटेगरी में गिना जाता है। मगर आजकल ये डुप्लीकेट और नकली चीज़ें भी इतनी सफाई से बनाई जाती हैं कि हमें पता भी नहीं होता और हम अपने पैसे बर्बाद कर देते हैं। और इसी चीज़ से बचने के लिए आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूँ ताकि आपका इन फ्यूचर आप कोई भी गैजेट खरीदें और आपके पैसे बर्बाद ना हो। सबसे पहले जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सबसे पहले उसकी पैकेजिंग और उसकी डिज़ाइनिंग पर ध्यान दें, क्योंकि जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो अपनी पैकेजिंग और डिज़ाइन में ज़रा सी भी चूक नहीं रखते। और आप इस चीज़ को भी ध्यान दें कि आपका जो फ़ोन है वो पूरी तरह से सील्ड पैक होना चाहिए, कि उसकी सील कहीं से भी उतरी या वो लूज़ नहीं होनी चाहिए। फ़ोन के बैक साइड पे आपने देखा होगा कि इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, वो एकदम क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, इजी टू रीड होनी चाहिए। बिग ब्रांड्स इन चीज़ में काफ़ी ध्यान देते हैं और वो अपने डिज़ाइनिंग के साथ ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जब आप फ़ोन को खोलते हैं तो उसमें एक यूज़र मैनुअल होता है। यूज़र मैनुअल जो होता है वो मान लीजिए जैसे फ़ोन का पासपोर्ट होता है। अगर तो यूज़र मैनुअल आपकी कंट्री लैंग्वेज, यानी चलो इंडिया में तो बहुत सी भाषा बोली जाती हैं, चलो इंग्लिश में हो देन इट्स ओके, कोई बात नहीं। मगर उसमें अगर चाइनीज़, जापनीज़, फ्रेंच या कोई भी बाहर की भाषा लिखी है तो आप ये समझ जाएं कि ये फ़ोन बाहर से सर्विस्ड है और इस देश में ये एज ए न्यू प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। तीसरी चीज़ जो आपने मेन देखनी है वो कि जो उसके साथ आपको जैसे केबल दी गई है या चार्जर दिया गया है या कोई भी चीज़ दी गया वो हमेशा प्रीमियम क्वालिटी का ही होगा। ब्रांड्स इसमें ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इवन के जैसे केबल के ऊपर कंपनी का नाम या लोगो लिखा होता है तो उसे आप रब करके देखिए, अगर तो वो रब हो जाता है तो आप ये भी समझ लीजिए कि ये भी नकली है या डुप्लीकेट है। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जैसे आप जो भी फ़ोन को ऑनलाइन देखते हैं और उसके साथ जिस कलर की आप लीड या केबल देखते हैं आपको वो एग्जैक्टली वो वैसी ही मिलनी चाहिए। ये ना हो कि जैसे आपका फ़ोन वाइट है और केबल आपके वो ब्लैक दी जा रही है, तो इसमें भी समझ जाइए कि फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमेशा ब्रांड के लोगों की तरफ ध्यान से देखिए। ब्रांड अपना लोगो एक बार बनाते हैं और उन्हें सालों साल कंटिन्यू करते हैं, उसमें वो ज़रा सा भी कलरिंग में, फ़ॉन्ट में या किसी भी तरीके का कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते। जबकि डुप्लीकेशन में या फेक में आपको वर्डिंग ऊपर नीचे दिख जाएगी, उसके स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट चेंज हो सकता है, तो इस चीज़ पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और एक और बात, जो भी आपको चार्जर दिया जाता है वो आपकी कंट्री के हिसाब से ही जो सॉकेट नॉर्मली यूज़ होती है उसका ही होना चाहिए। जैसे जापान में अगर कोई फ़ोन खरीदता है तो उसके साथ जो चार्जर दिया जाता है तो उनकी सॉकेट के हिसाब से उन्हें पिन चार्जर दिया जाता है, जबकि इंडिया में जो चार्जिंग दिया जाता है वो दूसरे तरीके का है। कि कई जगह पे इंडिया में भी आजकल आपने देखा होगा कि लोगों ने पिन चार्जर्स लगाए होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि बाहर ये प्रोडक्ट सर्विस था और इंडिया में इसे एज ए न्यू प्रोडक्ट बेचा गया है। इन सारी चीज़ों के बाद आपको एक वेरिफिकेशन चेक जब फ़ोन ऑन कर लेते हैं तब करना है। आपको अपने फ़ोन में *#06# डायल करना है। इसमें आपको IMEI नंबर एक शो करेगा और यही नंबर आपके फ़ोन बॉक्स के पीछे भी होना चाहिए। आई होप कि जब भी आप कोई गैजेट खरीदेंगे तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने साथ फ्रॉड नहीं होने देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।